तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ यूज आता है, एरिया निकालने के काम में आता है, ट्राई एंगल का एरिया निकालने के काम आता है। ये देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्राई एंगल, एक ट्राई एंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, एक कोई भी ट्राई एंगल, कोई भी ट्राई एंगल, तो उसका एरिया इस तरीके से निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकलता है। सपोज ये एक ट्राई एंगल है, कैसा भी ट्राई एंगल ले लो, कैसा भी, ठीक है। अब इस मुझे मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया इसके अंदर का ये जो जगह है ना, ये जैसे एक ट्राइंगुलर फील्ड है, ट्राइंगुलर खेत है सपोज, ठीक है, और उसका एरिया निकालना है। एरिया मतलब उसमें मतलब कितनी जमीन है, ये खेत कितना है पूरा, ये एरिया होता है इसके अंदर का, इसको हम कहते हैं एरिया। के अंदर मतलब कितनी जमीन है टोटल, वो हो गया एरिया। तो किसी भी ट्राइंगल का, चाहे वो किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल्ड हो, चाहे वो इस तरह का हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल, उसका एरिया कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या होता है, ये होता है बेस, जिसके ऊपर ट्राइंगल खड़ा हुआ है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा बेस, इसको लिख दो। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हाइट कौन सी होगी, हाइट ये वाली होती है, कौन सी होती है हाइट, तो हाइट हमेशा होती है परपेंडिकुलर, हमेशा ऐसे सीधी होगी, हमेशा 90 डिग्री पे हाइट हमेशा ये होती है, ये ठीक है ना। इसको हाइट नहीं लेना है, ये स्लैंटिंग हाइट होती है, स्लैंटिंग मतलब ये थोड़ी तिरछी है ना, तिरछी तिरछी कभी भी हाइट नहीं होगी ट्राइंगल। हाइट मतलब कि इसकी कितनी कितना बड़ा ट्राइंगल है, तो यहाँ बेस से और पूरा यहाँ तक ऐसे इसको नापना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, तो हमें इसकी हाइट मिलती है। तो हाफ इंटू बेस, ये बेस दिया होगा, हाइट भी दी होगी, यहाँ डाल दो वैल्यूज और एरिया, ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा, पूरा जो एरिया है ना इसका, ये पूरा एरिया आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला तो ये है, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं, अब इसने इसका एग्जाम्पल दे दिया कि जैसे एक ये ट्राइंगल है यहाँ पे, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे इस किनमें दोनों में से किसी को भी तो बेस मान लो, चाहे इसको बेस मान लो, और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे ही होती है, तो हाइट आप या तो इसको मान सकते हो या फिर इसको, इन दोनों साइड में से किसी को भी मान लो, इसको हाइट नहीं मान सकते बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये बेस माना जाएगा और बेस के ऊपर खड़ी होती है हाइट हमेशा, तो 5 × 12 × ½, नीचे ये दिखा रखा है इसमें, हाफ इंटू 12 × 5, ठीक है। इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल बताया कि आप ऐसे एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का। अब आगे चलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड बराबर होनी चाहिए और तीनों एंगल भी इक्वल होने चाहिए, 60 60 डिग्री के होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक ही होंगे, क्योंकि टोटल 120 होता है ना, सॉरी टोटल 180 होता है ना, तो 6 6 12 6 3 18, तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल होगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे, इनका मेजर इक्वल होगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए भी एक फॉर्मूला है, ये इसने इस तरीके से निकाल दिया, देखो ये भी समझा देती हूँ, चलो इसमें देखो इसने कैसे किया है। इसमें भी ये फॉर्मूला लगाया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले इसमें क्या किया है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, ये 5 है, क्योंकि 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, बट हमें ये नहीं पता, तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे, ये वाली साइड सबसे पहले निकाली जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो 10 का स्क्वायर ये इस तरह से करा और पीएम की वैल्यू आ गई, ये पीएम मतलब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, बस अब बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 5√3, बस इसमें वैल्यू पुट कर दिया और ये आंसर आ गया। ये ऊपर वाले का एग्जाम्पल दे रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी फॉर्मूले का। अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया,
आइसोसेलेस ट्रायंगल में मतलब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है सबसे पहली बात तो, और इनके ओपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी पहले तो सेम करना है वही, ये हमें दे रखा है 5, ये इन्होंने दे रखा है 4, तो पहले तो ये निकाल लो पाइथागोरस से, ये निकाल ली 3 आ गई है, एक्स पे कितना आ गया, ये आ गया 3। अच्छा और यहाँ इसने क्या किया, ये वाई पे जेड पे इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला फॉर एवरी टेक ट्राइंगल दिस विथ टू इक्वल साइड दिस दिस एंड अनइक्वल साइड 8 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका ये हो गया 4, ठीक है। तो ये निकाल लिया हमने 3, बस अब वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 8 और हाइट कितनी है 3। उसी फॉर्मूले से एक तो राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे निकाले एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, आइसोसेलेस का कैसे निकाले, इस फॉर्मूले से ही समझा रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से ही समझा रखा है। तो आगे चलते हैं, अब हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकाले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक तो हमने जो जो अपना बेसिक फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ाते आते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वो पढ़ा है अभी तक तो हमने। अब ये हीरोन्स फॉर्मूला है, ये 9th 10th क्लास में ही आता है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, ये हीरोन कोई मैथमेटिशियन था तो इसने इसने ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, ये है हीरोज फॉर्मूला, द फॉर्मूला गिवन बाय हीरोन अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज हीरोज फॉर्मूला। हीरोन ने दिया था, हीरोन ये मैथमेटिशियन था, इसने एक फॉर्मूला दिया जो किस नाम से जाना गया, हीरोज फॉर्मूला के नाम से जाना गया, और इससे हम किसका ट्रायंगल का एरिया निकलता है हीरोज फॉर्मूला से, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इसने ये फॉर्मूला दिया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसमें एस क्या चीज है, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये एस है, तो ए बी सी तो साइड हो गई ट्राइंगल की, ये जो ए बी सी दे रखी है तो ट्राइंगल की साइड्स होंगी, जैसे सपोज ये ट्राइंगल है तो इस साइड को ए बोल दो, इसको बी कह दो, जितनी भी इसकी लेंथ है इसको सी कह दो, और एस ऐसे निकालना है हमेशा, तो सेमी पेरीमीटर भी कहते हैं इसको, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा, ठीक है। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है, बस बहुत सिंपल फॉर्मूला है, भी नहीं है। अब हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल के बताया अपन को, अभी अभी आगे अपन करेंगे ये सब, तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 रीड करो कुछ। रीड करो खुशी एग्जाम्पल नंबर 1, अनम्यूट करो और फिर रीड करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ इच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 32। सेंटीमीटर, देखो अब इसने सर पेरीमीटर दे दिया ना, देखो एक तो साइड दे रखी है 11 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है 32। पेरीमीटर किसका दे रखा है, पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 32। देखो कुछ एस की वैल्यू क्या थी, एस की वैल्यू ये चीज ध्यान रखना, ये वाली इसको टिक की कर लो, एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरी, सेमी का मतलब ही आधा होता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर इन्होंने कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो इसका आधा करना है 32 दे रखा है ना। हाँ क्वेश्चन, एस की वैल्यू क्या होगी, एस को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब इस ट्रायंगल का आधा, पेरीमीटर किसको कहते हैं सबसे पहले, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होती है ये पूरा पेरीमीटर कहलाता है, जैसे हमारा ये खेत है फील्ड है,
तो इसके चारों तरफ मुझे बाड़ लगानी है, फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करते हैं ना सब लोग अपने अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि कोई जानवर ना आ जाए, है ना, पूरे उसको चर ना जाए, फसल को खा ना जाए। तो इसलिए हम ये फेंसिंग करते हैं, बाड़ लगाते हैं। तो ये जो ये होता है इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। ये पूरा पूरा कहलाता है पेरीमीटर, ये पूरा कहलाता है पेरीमीटर, ठीक है। अब इसने दे रखा है कि इसका जो पेरीमीटर है ना, एंड पेरीमीटर इज 32, कि ट्रायंगल का पेरीमीटर तो 32 है, मतलब पूरा पेरीमीटर इसका कितना है, 32। तो एस कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसके पेरीमीटर का आधा होता है, तो 32 का आधा कर दो, 16 हो जाएगा ना, 2 1 6, तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16, ठीक है। एस जरूरत ही नहीं पड़ी एस को निकालने की। एक और तरीका है, अगर भूल भी जाओ कि एस ऐसे निकालते हैं अपन, ऐसे भी निकाल सकते हैं एस, सपोज भूल जाओ तो क्या करना है, पूरा पेरीमीटर 32 दे रखा है, उसमें से 11 और 8 को निकाल दो, 32 में से इसको माइनस कर दो, 11 और 8 कितना हो गया, 19, तो 19 को माइनस कर दो, तो ये तीसरी साइड आ जाएगी अपनी। अच्छा ये करना भी पड़ेगा वैसे भी, 32 में से 19 ये देखो माइनस कर रखा, तो 13 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड कितनी आ गई अपनी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा एस भी निकल गया, हमारी तीसरी साइड भी निकल गई। अब यहाँ पे लिख लो, ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इस तरह से वैल्यूज लिख लो, और एस इज इक्वल टू 16, पहले ऐसे लिख लिया करो हमेशा। अब यहाँ आ जाओ, फॉर्मूले पे आ जाते हैं डायरेक्ट अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये देखो पहले एस माइनस ए निकाल लिया, एस कितना है 16, ए कितना है 8, 16 में से 8 गया तो 8, एस कितना है 16, बी कितना है 11, 5 बचा, एस कितना है 16, सी कितना है 13, माइनस करा 3 बचा, बस यहाँ वैल्यू डाल दी, एस की वैल्यू डाली 16, एस माइनस ए 8, यहाँ से 8 5 3, बस। अब इसको सॉल्व कर लिया और ये आया, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया, एरिया मतलब ये आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। कोई कह दे कि हमारा ट्रायंगुलर, मतलब हमारा जो खेत है वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसका एरिया निकाल के बताओ, इसका एरिया कितना है, मतलब कितनी जमीन है ये पूरी। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं हीरोज फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 रीड करो, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो खुशी। ए ट्राइंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर एंड 80 मीटर एंड 50 मीटर। ए गार्डनर डाइना हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरियाज डस सी नीड टू प्लांट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्बेड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर, लीविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगुलर पार्क है, जैसे पार्क होता है ना अपने घरों के आसपास में, उसमें बच्चे बच्चे खेलते हैं, तो ये पार्क है, जैसे 120 मीटर इसकी साइड दे रखी कि ये तो 120 मीटर है, ये 80 मीटर है, और ये 30, ये 50 मीटर है, ये दे रखा है। अब गार्डनर है जो यहाँ पे फ्लावर लगाता है, घास लगाएगा अंदर पार्क के अंदर, घास और फूल वूल लगाता है ना, तो गार्डनर है, माली है, हिंदी में अपन माली बोलते हैं इसको, उसका नाम है धनिया, तो उसको हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, चारों तरफ फेंस लगानी है, फेंस मतलब चारों तरफ उसको बाड़ लगानी है। वो चाहे फेंसिंग किसी की भी कर सकता है, दीवार भी खड़ी कर सकता है वो, ठीक है। फेंसिंग कैसे भी कर सकते हैं हम, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, हम कांटों वाली झाड़ियां भी डाल देते हैं, ठीक है ना, या फिर हम दीवार भी, जैसे जो पार्क होते हैं उनमें तो दीवारें बना देते हैं, ठीक है। तो फेंसिंग आप कैसे भी कर दो, तो कुछ लोग होते हैं जो ऐसे तार लगा देते हैं इस तरीके से ना, वायर लगा देते, तो इसने वायर लगाया यहाँ पे,
तो इसको फेंसिंग करनी है चारों तरफ, मतलब इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है इसको, फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर घास भी लगानी है इसको। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया में मतलब वो घास लगाएगी, कितना एरिया। तो इसका मतलब हमें एरिया निकालने को बोला है कि ट्रायंगल का एरिया बताओ, पूरे ट्रायंगल में घास लगानी है, पूरा जो पार्क है ना पूरे पार्क में घास होनी चाहिए। तो इसका एरिया निकालना है, सीधा सीधा पूछा है अपन से, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, मतलब इसका एरिया निकालो ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, इसके आगे का बाद में पढ़ेंगे। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया वही हीरोज फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले एस, एस निकाल लो। एस कैसे निकलेगा, इन सबको प्लस करो तीनों को, 50 + 80 + 120 कर दिया यहाँ पे प्लस, और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड, 250 आ गया ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो। एस की वैल्यू आ गई ये। अब s - a, s - b, s - c सेम वैसे ही निकाल लेंगे। एस में से इसको a को माइनस कर दो, एस में से 120, 180 और 50 ये माइनस कर दो, तो ये आ गया, बस ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, एरिया आ गया पार्क। यहां तक हो गया एरिया। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे क्या बोला इसने, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर्स वायर एट द रेट ऑफ ₹20 per meter। इसने बोला है कि 1 मीटर में अगर कोई भी यहाँ पे फेंसिंग करेगा ना, 1 मीटर में अगर ये बार्ब्ड वायर्स की फेंसिंग करेगा, मतलब ये वायर वायर लगाएगा ना 1 मीटर में, तो 1 मीटर के कितने रुपए लेगा, 20 रुपए लेगा। 1 मीटर में अगर ये जैसे तार लगाएगा ना, तो कितने रुपए लेगा, 20 रुपए, कोई भी लगाएगा तो 20 रुपए लेगा। तो इसको पूरे को धनिया को फेंसिंग करवानी है पूरे की, बस यहाँ पे 3 मीटर की जगह छोड़नी है ताकि यहाँ गेट बना सके, एंट्री भी तो करेंगे ना लोग, पार्क में जाएंगे बाहर आएंगे, तो ये गेट के लिए 3 मीटर की जगह छोड़नी है, और बाकी पूरे में इसको वायर लगाना। ठीक है, तो टोटल कितने में वायर लगवाने हैं, सबसे पहले तो ये देख लो, 120, 50 और 80 तीनों को प्लस करो और उसमें से 3 हटा दो, 3 मीटर माइनस कर दो, टोटल कितने मीटर उसमें जगह में लगवानी है इसको। तो 250 तो टोटल था और उसमें से 3 निकाल दो, 247 मीटर में इसको फेंसिंग करवानी है। तो कुछ नहीं करना है, 1 मीटर के 20 रुपए ले रहा है ना, तो 247 मीटर के कितने रुपए लेगा, 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया इतने रुपए लेगा। चारों तरफ ये वायर लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे धनिया को, 4,940 इतने रुपए उसे देने पड़ेंगे। बस ये खत्म हमारा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। द साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5, 5:7 एंड इस पैरामीटर इज 30,000 meter, फाइंड इस एरिया। 300 मीटर। तो देखो ये एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, इसकी साइड ऐसे दे रखी, कभी भी ऐसे रेशियो में देना, तो 3x, 5x और 7x ऐसे मान लिया करो इसको, और इसका पेरीमीटर दे रखा है 300। तो पेरीमीटर दे रखा है, तो इन तीनों को प्लस कर दो, इन तीनों को प्लस करने पे 300 के बराबर आना चाहिए ना, 300 के इक्वल आना चाहिए, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 15x आएगा इज इक्वल टू 300, एक्स की वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ एक्स की वैल्यू डाल दो, 3 × 25 × 20, तो ये साइड्स आ गई, ए तो ये आ गई, बी ये आ गई और सी ये आ गया। अब यहाँ से एस निकाल लो, वही हीरोज फॉर्मूला, ये चैप्टर सबसे इजी है, इसमें यही करना है बस, एस की वैल्यू निकाल ली, फिर s - a, s - b, s - c ये यहाँ निकाल लो, चाहे अलग से निकाल लो, ये देखो एस लिखा है यहाँ, या s - a, s - b, s - c माइनस कर लिया ये आया, मल्टीप्लाई कर लिया मतलब इसको सॉल्व कर लिया ये आ गया, बस वही करना है सब में, बहुत इजी चैप्टर है। अब 2.1 मैं शायद एक ही एक्सरसाइज में, ठीक है अब पढ़ो।
नंबर 1 पढ़ो, कितने क्वेश्चन देखने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। A traffic signal board indicating school ahead is equivalent to triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. It is parameter is 180 centimeter. What will be the area of signal board? क्या कह रहे हो, वापस बोलो। ये मैं निकाल हाँ तुम निकाल लो, तो रुको मैं खाली स्क्रीन दिखाती हूँ। एक बार मैं क्वेश्चन समझा दूँ, फिर उसके बाद तुम करो सॉल्व, है ना? बस मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में ऐसे एक बोर्ड है, ये सिग्नल बोर्ड नहीं लगे रहते, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। इस पे लिखा हुआ है कि स्कूल, मतलब आगे स्कूल है तो थोड़ा गाड़ी धीरे चलाओ, क्योंकि बच्चे ऐसे भाग जाते हैं ना रोड़ों पे, छोटे छोटे बच्चे भाग जाते हैं रोड़ों पे, उनको इतना ध्यान नहीं रखते हो, तो ये इस तरह के साइन लगा देते हैं ताकि गाड़ी चलाने वाला थोड़ा धीरे हो जाए, कि यहाँ स्कूल है, यहाँ से छोटे बच्चे निकलेंगे, तो इस तरह से बोर्ड लगा लगा हुआ था, ठीक है? इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। इसकी साइड हमें दे रखी है ए ए ए, ठीक है? अब क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों ए ए हो जाएंगे ना। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस बोर्ड का एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द, अगर इसका पेरीमीटर हमें दे रखा है 180, मतलब ए प्लस ए प्लस ए बराबर 180, हम कह सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए, तीनों ए को प्लस करें तो 180 दे रखा है हमें इसका पैरामीटर। चलो ठीक है, तुम करके बताओ। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम इसको ब्लैंक स्क्रीन पे करेंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, यहाँ करो, कुछ करो यहाँ पे। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ करो। हाँ, ये ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड है ए बी सी, ठीक है? ठीक है, इसकी तीनों साइड है ए ए ए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्योंकि, इसलिए तीनों साइड ए ए ए हो जाएगी। अब ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर इसका 180 दे रखा है हमें, पी इज इक्वल टू 180 दे रखा है, तो पेरीमीटर होता है ए प्लस ए प्लस ए बराबर 180, ठीक है? ए प्लस ए करेंगे तो 3a आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180, सही है? ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, ये डिवाइड में चला जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 60। बहुत अच्छे, एकदम सही है। अब इसको मिटा दो, फिर करना, इसको रब कर दो पूरे को। a की वैल्यू आ गई हमारी 60। और एस की वैल्यू भी निकाल दो, एस कितना होगा? एस हो जाएगा 180 अपॉन 2, बहुत अच्छे, क्योंकि पेरीमीटर का आधा होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर था 180 अपॉन 2, 90 आ गया एस, ठीक है? सही है, हटा दो इसको, पूरे को मिटा दो। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हमें एस भी पता चल गया, हमें तीनों साइड पता है, तीनों साइड ए ए ए ही है, तो अब हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा एरिया के लिए, तो एरिया इज इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है? फिर एस क्या है हमारा, 90 है, एस की जगह 90 इंटू, डायरेक्ट लिख दो, चलो लिख दो, वैल्यू डाल दो,
एस कितना है? 90 माइनस ए कितना था? 60 था। 90 माइनस 60, ये 160 नहीं है, 60 है। 90 माइनस, है। हाँ तीनों ऐसे हो जाएंगे, 90 माइनस 60 फिर वापस 90 माइनस 60। ठीक है मैं समझ गई खुशी, तीनों में ऐसे लिखना है, 90 माइनस 60 लिख दो। तो चलो लिख 90 माइनस 60। आगे कर रही हूं मैं। ठीक है तो 90 में से 60 माइनस किया तो 30 30 30 आ जाएगा। 90 एज इट इज उतारा, 90 में से 60 गया तो 30, यहाँ पे भी 90 में से 60 गया तो 30 30। ठीक है हटा दो इसको, मिटा दो, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके 90 30 30 30 ये हमारा रूट के अंदर है। रूट में एक बार वापस लिख दो, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ इसको सॉल्व करो। अब 9 को हम लिख सकते हैं। अच्छा ये एक, ये क्या कर रहा है? जैसे 2 30 में से 2 30 में से 1 30 बाहर आ जाएगा, और ये 90 का कैसे करा है? 3 इंटू 30। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। हाँ ऐसे ही। ठीक है तो रुको 1 मिनट, तो 9 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 10, और मतलब 3 इंटू 30 लिख सकते हैं। चलो ठीक है मैं समझा देती हूँ, कर को 90 को हमने क्या लिखा है? 3 इंटू 30 लिख दिया 90 को। 90 की जगह हमें हमने लिखा 3 इंटू 30, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा और 90 हो जाएगा पूरा ही। तो 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30, ये 30 एज इट इज लिखा, फिर ये वाला 30 और ये 30 का स्क्वायर लिख दिया इसने, 3 30 ना क्योंकि यहाँ पे। तो फिर ये 2 30 में से 1 30 बाहर आ जाएगा, इन 2 30 में से 1 30 बाहर आ जाएगा। ठीक है इसको मिटाओ आगे करो, तो 2 30 हमारे बाहर आ जाएंगे, 30 इंटू 30 बाहर आ जाएगा और रूट में रह जाएगा 3। क्या आगे करो खुशी, मिटाओ इसको। 30 इंटू 30 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 रह जाएगा। हाँ बता दो इसका अगला स्टेप करो। मिट नहीं रहा ये तो। बता दिया मैंने, अब लिखो 30 इंटू 30 बाहर आ गया और अंदर रह जाएगा हमारा √3, क्योंकि अकेला है इसलिए अंदर रह गया, तो 900। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 और पीछे ये 2 0 लगा देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही आंसर है। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है, हमेशा एरिया किसी का भी एरिया निकाल रहे हैं हमेशा स्क्वायर लगाना है। यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखी है, और उस पे स्क्वायर आएगा हमेशा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही किया। ठीक है अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो खुशी। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। A triangle side walls of floor have been used to for advertisements. The side of the walls are 122 meter, 22 meter, and 120. Advertisements filled an yearning. अर्निंग
अर्निंग ऑफ रुपीज फाइव अर्निंग ऑफ रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वर्क्स फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। मैं ये भी मैं करके दिखाऊं। ठीक है, तुम ही करना, मैं समझा देती हूँ एक बार रुको। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाई ओवर, ये फ्लाई ओवर है, इसको हम कहते हैं फ्लाई ओवर, ये फ्लाई ओवर है। जैसे नीचे से गाड़ियां जाती रहती है ना, तो ऊपर से भी एक फ्लाई ओवर बना देते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो जाए, क्योंकि नीचे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है सपोज, तो हम एक फ्लाई ओवर बना देते हैं ऐसा, कि आधी गाड़ी नीचे से चली जाए आधी ऊपर से चली जाए ऐसे। तो द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, या फिर किसी को डायरेक्ट जाना हो तो डायरेक्ट चले जाए, किसी को यहाँ पे गलियों में कुछ काम हो तो नीचे से चले जाए, इसलिए भी बनाते हैं। ठीक है, तो द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करके रखते, यहाँ पर वो पेपर वेपर चिपका के रखते हैं लोग कुछ और कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए, यहाँ भी जो दीवार होती है यहाँ पे नीचे उस पे, तो ये वाला हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए ले लिया, मतलब एड एड लिखने के लिए कोई कुछ भी एड हो सकती है वो। द साइड्स ऑफ द वॉल आर, इसकी तीनों साइड हमें दे रखी है, 122, ये 22 और ये 120 मीटर है तीनों। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए लगते हैं, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर में कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहेगा ना, कि भाई हमारे स्कूल की एडवर्टाइजमेंट लगा दो, या फिर कोई भी अपनी एडवर्टाइजमेंट लगवाना चाहता है, तो 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए लगेंगे, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर मतलब जितना एरिया घेरोगे ना उतने पैसे लगेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर के 5,000 रुपए एक साल के लगेंगे। ठीक है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, एक कंपनी ने 3 महीनों के लिए बोला कि भाई हमारी कंपनी का पोस्टर लगा रहना चाहिए, हमारी कंपनी का पोस्टर लगाओ यहाँ पे, ठीक है, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो इसने मतलब ये इस पूरी वॉल ही लिए इस कंपनी ने, तो ये कितना रेंट पे करेगी 3 महीनों के लिए, तो पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, वही है, तो चलो इसका एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे, करके बताओ यहाँ पे एरिया। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, करो खुशी। अभी कर रही हूँ। पहले तो वो निकालेंगे एस हाँ, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले एस निकाल लो। सबसे पहले हम एस निकालेंगे, तो एस निकालने के लिए हम तीनों साइडों को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, ठीक है, प्लस करो और डिवाइड।